والصلاة والسلام على من كان نبيا وآله من الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा, दिखा दूंगा जमाने को जो इन आंखों ने देखा है, तुझे भी मिसले आईना हैरान करके छोड़ूंगा। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। दिल अल्लाह तबारक व ताला की हम्द और सना से लबरेज है और जिस्म का हर हिस्सा उसका शुक्रगुजार और ममनून है कि उस अल्लाह ने हम सबको कई बरस बाद फिर अपने घर में बुलाया और अपनी बात कहने और सुनने की तौफीक नसीब फरमाई। जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उन्हीं के लिए वो अपने दरवाजे खोलता है, और जिनसे वो नफरत और गुस्सा करता है उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है। किसी पर वो रहमतें नाजिल करता है और किसी पे अपना गजब उतारता है, किसी को अपने दामन रहमत में जगह देता है और किसी को लानत जदा करके महरूम कर देता है। यही है मारकाए खैर और शर, यही है किस्से आदम और शैतान। एक तकब्बुर का शिकार हुआ, अपने पर उसने गुरूर किया और अल्लाह के दर से थुतकार दिया गया, और दूसरा वो है जिसने अपना एतराफ़ कसूर किया, नदामत के आंसू बहाए, रब की तरफ मुतवज्जे हुआ, तौबा की, इनाबत की और फिर से उसी मकाम का मुस्तहिक पाया जिसके लिए उसको बनाया गया था। हम सब औलाद आदम, इब्ने आदम हैं, हम सब खताकार हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने खताकारों को मौका दिया है, उनके लिए एक दरवाजा खोला है। मौत का फरिश्ता आने से कबल वो दरवाजे तौबा खटखटाएं और अपने माफी का परवाना अल्लाह से ले आए। जिस मकाम से गिरे थे उसी मकाम पर फिर पहुंच जाएं, यह है अल्लाह तबारक व ताला का खुसूसी फजल और उसकी इनायत। या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाही तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तौबा के माने हैं पलटने के, मुतवज्जे होने के। खालिस तौबा कर लो, उसकी तरफ रुजू करो। कहीं दूसरे अंदाज में फरमाया गया फिरू इल्लाह, दौड़ो, दौड़ लगाओ। किसकी तरफ? अल्लाह तबारक व ताला की तरफ।
जुमे के दिन के बारे में कहा गया, जब ऐलान हो नमाज जुमा का, फसअउ इला जिक्रिल्लाह, दौड़ो अल्लाह तबारक व तआला की याद की तरफ। अल्लाह आज मुझे इस मुबारक मजलिस में, इस पाकीज़ा घर में, निहायत मुकद्दस मकाम पर वो कहलवा दे जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए और हम सब की दुनिया और आखरत कामयाब हो। ज़रा तसव्वुर में जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहां भेजा, इबलीस भी आया और कश्मकश शुरू हो गई। इबलीस अपनी मेहनत और जिद्दोजहद करता रहा, जो अल्लाह से मोहलत ली थी, जो असबाब मांगे थे, जो जराए उसने तलब किए थे, जिस कुव्वत और ताकत को और छूट को उसने मांगा था, वो अल्लाह ने उसे आता फरमाई और ये कश्मकश चलती रही, यहां तक के आज ये दुनिया, ये कायनात अपने आखिरी छोर पर है और आखिरी मरहले पर है। उसने अल्लाह से कहा था और कहा है कि मैं इनको भटका के रहूंगा, वला उज़िल्लन्नहुम, मैं जरूर बिजरूर भटकाऊंगा। तो उसने कसम खाई है कि मैं इनको भटका कर रहूंगा, लाअक़्उदन्नलहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, वला उग़वियन्नहुम, इनकी किडनैपिंग करूंगा और इनको अगवा कर डालूंगा। वला उमन्नियन्नहुम, इनको उम्मीदें दिलाऊंगा, इस तरह हो जाएगा, वो होगा, आरजुओं में, उम्मीदों में इनको उलझाए रखूंगा। इनको ऑर्डर करता रहूंगा, वाला आमुरन्नहुम, इन्हें हुक्म देता रहूंगा, बराबर अपना फरमान जारी करता रहूंगा। ये जानवरों के कान जरूर भी जरूर काटेंगे और तखलीक में तब्दीली कर देंगे। जब उसने ये कहा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, जो कि इंसान से जिसके एजाज और इकराम के लिए अल्लाह ने फरमाया खलक्तु बियदैया, मैंने अपने हाथों से इसको बनाया है, वनफख्तु फीही मिन रूही, और मैंने अपनी रूह इसके अंदर फूंकी है, वलकद करमना बनी आदम, से इसका एजाज का ऐलान किया कि मैंने बनी आदम को मुकर्रम बनाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इसकी रहनुमाई के लिए, शैतानी इगवा से बचाने के लिए, उसके जाल फंदों से बचाने के लिए, उसकी चीरादस्तियों से इसको बचाने के लिए अल्लाह ने इंतजाम फरमाया कि मैं भी किताबें अपनी भेजता रहूंगा और अपने रसूल इरसाल फरमाता रहूंगा और नबियों को मैं मबरूस करता रहूंगा। यह सिलसिला हजरत आदम से चलता है, लाखों अंबिया आते हैं, 313 रसूल तशरीफ लाते हैं, अल्लाह छोटी और बड़ी किताबें उतारता रहता है, इधर से इबलीस और उसकी कश्मकश जारी रहती है, यहां तक कि आज हम इस जमाने में दाखिल हो जाते हैं। अब हमारे सामने अल्लाह तबारक वताला की किताब मौजूद है, उसको पढ़ते रहिए और इबलीस से मुकाबले की तैयारियां करते रहिए, उसके दांव और फंदों से बचते रहिए, जानिबे जन्नत चलते जाइए, जहन्नम से अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहिए। ये मैंने इब्तदाई नक्शा इसलिए खींचा ताकि पूरी बात हमारी समझ में आ जाए। पिछले जमानों में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का इंतखाब किसी खास कौम, किसी खास इलाके, किसी खास खित्ते के लिए किया, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के खात्मे का फैसला फरमाया और खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया,
इस आयत के साथ माका मुहम्मदुन अबाहद मिन रिजालिकुम वलाके रसूल अल्लाही व खातमन नबीयीन, अल्लाह ताला ने फिर आपको मशरिक व मगरिब के लिए, शुमाल और जुनूब के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त से लेकर के सुबह कयामत तक के लिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतखाब फरमा लिया। लिहाजा आपके इंतखाब के बाद आप नबियों के खातिम कहलाए, आप पर उतरने वाली किताब आखिरी किताब बन गई और अल्लाह का आखिरी पैगाम बन गया, और उस किताब की हामिल उम्मत, उस पर लब्बैक आमन्ना व सद्दकना कहने वाली उम्मत आखिरी उम्मत बन गई। लिहाजा अब इस उम्मत की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई उसे आप समझ लीजिए। इसकी जिम्मेदारी में मशरिक ता मगरिब, शुमाल ता जुनूब, गोरे और काले सब शामिल हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन हज्जतुल वदा फरमाया उस दिन बहुत सारे ऐलान फरमाए, और हज्जतुल वदा पर जो आपने खुतबा दिया वो तारीखी खुतबा है जिसमें आपने जाहिलियत की तमाम रस्म और रिवाज को खत्म कर डाला, और आपने कहा कि मैं जाहिलियत के तमाम दागों को मिटाने आया हूं और तमाम रस्म और रिवाज को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए आया हूं। और आपने उस वक्त ऐलान कर दिया कि अब तक जो लोगों ने और इंसानों ने इबलीस और शैतान के कहने पर अपने आप को खानों में बांट रखा था कि अरब अपने आप को अरब और फुसाहा कहलाते थे और बाकी दुनिया को वो आजम कहकर पुकारा करते थे, अपने आप को अरब होने पर फख्र का दावा करते थे, गोरे गालों से अपने को अफजल और बढ़तर समझते थे, मालदार अपने को गरीबों से आला और अफजल समझता था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया ला फजल लिल अरबीन अलल अजमी वला लिल अजमी अलल अरब। आज किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं है, आज किसी अरब को अजम पर कोई फजीलत नहीं है। यह पैगाम सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए है। जिनको कुरान ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुआन का खिताब दिया वो सहाबा किराम जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में जन्नत का सर्टिफिकेट और परवाना अता फरमाया, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने उलाएकहुम राशिदून कहकर खिताब किया कि ये राशिदीन हैं, कोई इन पर तनकीद ना करने लगे, कोई इन पर जरह तादील ना करने लगे, कोई इनकी जिंदगी में छान और फटक ना करने लगे, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून करार दिया, उलाइका हुमुल मुहतदून जिनको करार दिया, उलाइकल लदीन इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम बित्तक्वा, जिनके तकवा का इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने ले लिया। हमा शुमा की क्या हैसियत है कि वो फिर कलाम करे हजरत बिलाल की जिंदगी पर, वो कलाम करे उन सहाबाए किराम ने अमलन इसको साबित करके दिखाया, साबित कर दिया। वो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी जाए सुकूनत हबशा है, जो रंग व नस्ल के एतबार से अरब नहीं है, जो अपने चेहरे के एतबार से सुर्ख व सफेद नहीं है, लेकिन जिधर से उनका गुजर होता उन्हें सैयद का खिताब दिया, उन्हें सरदार का खिताब मिला, और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन इस्लाम के खलीफा सानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमीन पे वजीर उमर इब्ने खत्ताब ने जो जुमला उनके बारे में कहा, तारीख ने उसे कलमबंद किया है और उसे आज हम तक पहुंचाया है, माता सय्यिदुना, हालांकि वो बरसों तक उबै बिन खलफ के गुलाम थे, उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। वो पैगाम क्या सिर्फ आज हमारी जबानों तक है,
सिर्फ मिंबर और मेहराब के खुतबों तक है, सिर्फ स्टेज के जलसों तक है, यह हमारी दिल की दुनिया में भी उतरा हुआ है। यह है परेशानी। या अय्युहल्लज़ीन आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा वला तत्तबिउ खुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, जो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। फसरीन से पूछिए, उलमा से मालूम कीजिए, ये आयत कब उतरी है, इसका शान नुजूल क्या है। मतलब यह है कि इस्लाम में पूरे के पूरा दाखिल होना होगा। जो इस्लाम ने कह दिया हलाल, वो हलाल है। जो उसने कहा हराम, वो हराम है। जो उसने जायज कहा, वो जायज है। जो उसने नाजायज कहा, वो नाजायज है। ये इनमें से वो पूरी तरह से तस्लीम करना पड़े। आप गौर फरमा लीजिए, हर नबी और हर रसूल उन हालात में भेजा गया जब हवाएं उसके मुखालिफ चलती हैं। माशरा निहायत जिल्लत और पस्ती के मकाम पर होता है। इंसान कहलाए जाने के काबिल नहीं होता, उससे बेहतर जिंदगी जानवर गुजारते होते हैं, उससे बेहतर जिंदगी चरंद और परंद गुजारते हैं, दरिंदे उसकी दरिंदगी से शर्मा जाते हैं। उन हालात में अल्लाह तबारक तआला ने हर नबी और रसूल को मबरूस किया। ये अल्लाह की आखिर किताब में पढ़ लीजिए। और नबी अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए और पूरी इंसानियत के लिए रहम वाला, रोने वाला, आंसू बहाने वाला। नूह अलैहि सलाम का नाम नूह इसीलिए तो है ना कि वो नौहा करते थे, रोते थे, अपनी कौम के हालत पर आंसू बहाते थे, इसलिए उनको नूह कहा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लवाहुन हलीम का खिताब मिला गया, वो आंखें भरते थे, आह मेरी कौम, आह मेरा बाप, आह मेरी शहर बाबिल के रहने वाले, ये इराक के रहने वाले। वो रातों को रोते और अल्लाह तबारक तआला से आंखें भरते, और हलीम भी थे। उनको क्या क्या नताने मिले और कौन सी भक्तियां उन पर नहीं कसी गई, कैसी कैसी उनकी मजाकें उड़ाई गई। वो जज्बात में जज्बाती नहीं हो जाने वाले थे, इसलिए उनका खिताब, उनको अल्लाह ने हलीम का खिताब दिया। अल्लाह ने जो अपनी आखिरी किताब में ये तमाम वाकयात उतारे हैं, ये किस्सा गोई की किताब नहीं है, ये दास्तान इब्ने सफी की नहीं है, ये लैला और मजनू की कहानी नहीं है, और वही वाकयात बयान किए गए हैं जो इंसानों के लिए इबरत हैं, जो तमाम जहानों के लिए इबरत हैं, जो समझे कौन उलिल अबसार, जिनकी आंखें खुली हैं और जिनको अल्लाह ने आंखें दी हैं, वही इससे इबरत हासिल कर सकते। नबी कौम के दरवाजों पर जाता है, उनके बाजारों में पहुंचता है, उनके मेलों में जाकर उन्हें आवाज लगाता है, कोई हाथ से में पत्थर उठाता है और उसके चेहरे को जख्मी कर देता है, कोई हाथ में कंकर उठाता है, धूल उठाता है और चेहरे को गुबार आलूद कर देता है। कौम अपने कानों में उंगलियां डालती है, नबी फिर भी उनको पुकारता है, दाऊद कौमी लैलम व नहारा, मैंने दिन को भी पुकारा और रात को भी पुकारा, وَعَلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا, मैंने अलल ऐलान भी पुकारा, मीनारों पर चढ़कर पुकारा, दीवारों पर चढ़कर पुकारा, कौम को आवाज लगाई जितनी मैं सदा लगा सकता था, और चुपके चुपके भी मैंने पुकारा। ये किसकी सदा है, ये किसकी फरियाद है, ये सूरह नूह में किसने बयान किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की फरियादों को, उनकी दुआओं को, उनके कौल को नकल किया। जैसा कि आप सुन रहे हैं और सुनते चले आ रहे हैं, जब नबूवत का दरवाजा बंद हुआ तो कार्य नबूवत किसके कंधों पर आया, ये जिम्मेदारी किस पर आई,
सवालात सहाबा की मौजूदगी में हज्जतुल वदा के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम सहाबा को गवाह बनाते हुए और साथ में अल्लाह तबारक व तआला को भी गवाह बनाते हुए और सहाबा से अहद पैमान लेते हुए कहा, अला हल बल्लगतुल अमाना, अला हल बल्लगतुल रिसाला, क्या मैंने तुम तक अमानत नहीं पहुंचा दी, क्या मैंने तुम तक पैगाम रिसालत नहीं पहुंचा दिया। तमाम ने कहा, बला क्यों नहीं, आपने बेशक पहुंचा दिया है। तो आपने अपनी शहादत की उंगली अल्लाह की तरफ फरमा कर कहा, अल्लाह तू शाहिद रहे, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू शाहिद रहे, मैंने जो अमानत मुझे सुपुर्द की थी वो मैंने इसको पहुंचा दिया है। और फिर अपनी कौम से मुखातब होकर कहा, फल युबल्लिगुश शाहिदुल गाइब। अब जो यहां हाजिर है उन तक पहुंचा दे जो मौजूद है। फिर काफले चले, कारवां निकले, वतन छोड़े, अहबाब छोड़े और जहां तहां चार दांगे आलम में उस अमानत को पहुंचाने के लिए लोग निकल पड़े। वही अमानत आज हम सबके पास है और वो अमानत पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह उसके रसूल ने हम पर डाली है। हमें भी अपनी कौम का खैर ख्वाह होना चाहिए और जो लोग हमें बदख्वाह समझते हैं और वहशी जानवर की तरह हमसे भिदकने लगते हैं और शायद उनके पास अक्ल ना हो, फहम ना हो, जैसे एक मासूम बच्चा खामखा अजनबी से डर जाता है, इस तरह उनसे भी वही बात कहने की जरूरत है जो अल्लाह ने के नबियों ने अपनी कौम से कही है, वाना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। साथ में खैर ख्वाह भी कहा और अमीन भी कहा। अमानत बहुत बड़ा मफहूम है, ये चंद मिनटों में पूरा नहीं हो सकता। मैं अमीन भी हूं, जबरदस्त सिफत है। यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक मक्का में रहकर साबित किया कि मैं अमीन हूं। किस माहौल में साबित किया? जहां मान लेकर कोई दूसरे का वापस नहीं करता, खयानत ही खयानत का दौर है। कौन था जो उस पूरे मक्का में वादिये बतखा में अमीन के लकब से पुकारा गया? ये अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम था, ये आमिना का नूरे नजर था, ये बनू हाशिम का चश्मो चराग था, ये हां हां वही अब्दुल्लाह की दुआ थी जिसमें मांगा गया था आपको, इब्राहिम अलैहि सलाम की दुआ थी जिसमें आपको मांगा गया था, हुए पहलुए आमना से हुएदा, दुआए खलील और नबेदे मसीहा, उनको अमीन का लकब मिला। जब वो अमानत साबित कर दी उन्होंने तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो अमानत जिसका इंतजार सदियों से इस कायनात को था, हर रसूल हर नबी इस चाहत में था वो अमानत हमें मिल जाए। पहाड़ तो इनकार कर दिए, जमीन इनकार कर बैठी और आसमान भी उसके उठाने से बाज रहे और घबरा गए और खौफ ज़दा हो गए। वो अमानत अल्लाह तबारक व तआला ने उस गारे सौर में, गारे हिरा में, गारे सौर तो जहां पनाह ली हुए, गारे हिरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया। पहले अपने को अमानतदार साबित किया तो अल्लाह ने सबसे बड़ी अमानत आपके सुपुर्द की और फिर उम्मत को आपने दर्स दिया, तुम में जो कोई ईमान का दावा करे, ईमान का दम भरे और ईमानियात का इजहार करे वो अमानत से खाली ना हो। ला ईमान अली मल्ला अमानत अला, उसका ईमान नहीं जिसके पास जो अमानतदार नहीं।
यही है अंबिया किराम की जिंदगी में और आम रहबरों में फर्क। आम रहबर खाइन होते हैं और नबी खाइन नहीं होता। आम रहबर पहले अपने मकसद की बात करते हैं, मुझे कितना फायदा होगा, मेरे को क्या प्रॉफिट होगा, मुझे इसमें क्या मिलेगा। लेकिन नबी बेगर्स उम्मत का गमखार, उम्मत का हादी, उम्मत का रहबर और उसके लिए तड़पने वाला और रोने वाला बेतलब और बेगरज होता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी जो उनके खून के प्यासे हैं, जो रात भर तरवारे लिए उनके इंतजार में खड़े हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर से निकलेंगे और हम इनके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तमाम सरदारान कुरैश और तमाम सरदारान मक्का जिस इंतजार में है कि आज किस्सा ही खत्म कर देंगे और उसके लहू से अपने हाथों को रंगीन करके फख्र के दावे करेंगे। लेकिन वो है जो उनकी अमानतों को अपने भाई और बाद में होने वाले अपने दामाद हजरत अली मुर्तजा के हवाले करते हैं। ए अली, मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मेरी चादर ओढ़ कर लेट जाओ, तुम्हें कोई गजब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये अमानत फला इब्ने फला की है, ये अमानत फला इब्ने फला की है, ये उसका और उसका है, उनके सुपुर्द करके फिर तुम मदीने। अब जरा अपने को भी इस पर ले आइए, मौजूदा हालात में देख लीजिए कितने अमानतदार है। चारों तरफ रोना तो है, हमारी तिजारतें कसाद बाजारी का शिकार हो गई, हम पनपते नहीं। क्या है कि दीगर कौमें तरक्की करती चली जा रही हैं, कभी अपने अयूब पर भी नजर डाली, कभी अपनी कमियों को भी पहचाना। जिस नाम से जाने जाते थे, जो खसलतें हमारी थीं, जो सिफात हमारी थीं, वो हमसे छिन गई। और कोई और हमसे ले गया, बाजी कोई और मार गया। आओ देखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफा कोहे सफा पर चढ़ते हैं और ऐलान करते हैं, 40 साल का कैरेक्टर उनके सामने पेश करते हैं, 40 साल का किरदार उनके सामने पेश करते हैं, यहां उनके तमाम खड़े हुए हैं और सारे के सारे टिकटिकी बांध कर आपको देख रहे हैं, तो आपने उस वक्त फौरन ऐलान नहीं कर दिया, बल्कि अपने 40 साल का किरदार और कैरेक्टर को पेश करते हुए कहा, कैफा वजदतुमूनी, तुमने मुझे कैसा पाया। अगर आपने जुल्म सितम किया होता तो जबाने कहती कि आप जालिम हैं, आपने फुला के साथ जुल्म सितम किया है। अगर आपने नाहक किसी का कत्ल किया होता तो आवाजें उठ खड़ी होती कि आपने तो फुला का कत्ल किया है। अगर आपने किसी के आबरू की तरफ निगाह भर के देखा होता तो लोग कहते कि आपकी नजरों से हमारी बेटी की इज्जत ये दामन तार तार हुआ है। अगर आप शराब की मजलिसों में गए होते तो लोग कहते कि आपने तो फला मौके पर शराब के जाप छलकाए हैं। अगर आप कहीं किसी मौके पर नाच गाने की महफिल में गए होते तो फौरन समा आ जाता कि हमने आपको तो वहां उस महफिल में देखा है। लेकिन एक जबान ऐसी नहीं थी, एक दिल ऐसा नहीं था और कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि आपके दामन पर वो हाथ रख सके, बल्कि सबने कहा अंता सादिकुन अमीन, आप सच्चे हैं और आप अमानतदार। रिसालत का ताज सजा है 40 साल की उम्र में, हालांकि नबुव्वत तो मिल गई है आपको उस वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम का खमीर पुतले के लिए तैयार हो रहा है। इजहार नबुव्वत बाद में हुआ है, अताए नबुव्वत तो पहले ही है। उससे पहले भी वो वाकया मैं याद दिला रहा हूं, क्योंकि हमें हुक्म है कि तुम्हारे लिए नमूना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखर, जो आखिरत पर उम्मीद रखता है उसके लिए नमूना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। खाने काबा की तामीर हो रही है, अहले मक्का तामीर करना है, मसला आ गया हजर अस्वद के लगाने का। जाहिर है जाहिलियत समा गई है, वो कबीला कह रहा है कि हम आला और अफजल हैं, वो कह रहे हैं हम बरतर और बाला हैं, हम लगाएंगे।
तलवारें खींच गईं। देखें कौन इस पत्थर को हाथ लगाता है, कौन है माता जियाला जो इसे छूकर दिखाए। हाथ काट लिए और बर्तन में खून निचोड़ लिया और कहा देखते हैं कौन। करीब था कि अमन के घर में बैतुल्लाह जिसे अमन का गहवारा कहा गया है वहां खून की नदियां बह जाएं। जमाने जाहिलियत में भी वो 4 महीने जंग नहीं किया करते थे क्योंकि इस मौसम में लोग हज किया करते थे, उसे एहतराम में वो नहीं करते थे, हुक्म भी था। लेकिन आज जाहिलियत और फख्र और तकब्बुर और बड़ाई किस दर्जे उरूज पर पहुंची हुई है कि वहां तलवारें खींचे हुए हैं। बुजुर्गों को अल्लाह तबारक व तआला होशमंदी और दानिशमंदी अता करता है और नौजवान सिर्फ जज्बात का शिकार होते। अगर यहां चंद बुजुर्ग बीच में ना आते तो न जाने कितने घर उजड़ते, न जाने कितनी बीवियों के सुहाग उजड़ते, न जाने कितनी मां अपने यतीम बच्चों को लिए बेटी की जिंदगी गुजारती। मगर चंद ने कहा कि आज छोड़ो, जज्बात में फैसला मत करो, कल फैसला करो। तय ये पाया कि कल जो शख्स हुदूद हरम में सबसे पहले दाखिल होगा वही हमारा सरपंच और अमीर होगा और जो वो फैसला करेगा हम उसको तस्लीम करें। हो गया झगड़ा। अब हर शख्स इंतजार में है, सुबह मैं पहले पहुंचूं। बनू तय अपने इंतजार में है, बनू तमीम अपने इंतजार में है, बनू हाशिम अपने इंतजार में है, हर कबीला 14 बनू मैया सोच रहे हैं आज ये फख्र हमें हासिल हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर चुका था कि अब जहां का इमाम बनाकर, सरदारों का सरदार बनाकर, बादशाहों का बादशाह बनाकर, ताजे नबुव्वत जिसके सर पे हमने सजाया है अब वही बाजी लेकर जाएगा, कोई नहीं आ सकता। करवट बदलते बदलते गुजारी, लेकिन वो सआदत उसी को मिलना थी जिसका नाम अहमद है, जिसका नाम मोहम्मद है, जो रहमतुल आलमीन है, जो तमाम को बराबरी का दर्जा देने के लिए आया है, जो ये फर्क मिटाने के लिए आया कि तुम सब एक माँ बाप की जब औलाद हो तो फिर ये फख्र कैसा, फिर ये बड़ाइयां कैसी, फिर ये गुरूर और तकब्बुर कैसा। सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां मौजूद हैं, इसकी भी नजर पड़ी तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते को देखकर हर एक का कलेजा ठंडा हो गया कि वाह यही है वो शख्स जो सही फैसला कर सकता है, जो इंसाफ कर सकता है, वरना उन्हें दूसरों से इंसाफ की तवक्को नहीं थी। अब मरहला आता है कि कौन लगाएगा। यहां कोई और होता तो कहता आओ ये नाम ये नमूद हमेशा हमेशा के लिए अपने खानदान के नाम कर दें और बनू हाशिम को ये मिल जाए चूंकि मैं ही हकम हूं, अपने घराने को कह दूं अब्बास आओ, चचा अब्दुल मुत्तलिब आओ, अली तुम आओ और मैं मिल करके इसको लगाते हैं। लेकिन आपने कहा नहीं, आज एक ऐसा फैसला किया जाएगा न किसी को एहसास कमतरी होगा न किसी को एहसास बरतरी होगा। लाओ चादर लेकर आओ, एक चादर में हजरे अस्वद को रखते हैं और हर कबीले का सरदार इस पर अपना हाथ लगाए और बैक वक्त सब एक साथ उठाए। जब उठाने का वक्त आया तो सबने ये बैक आवाज होकर कहा अब इसे खाने काबा की दीवार में मोहम्मद तुम लगाओ, इसलिए कि तुमने हमारी बीवियों को बेवा होने से बचा लिया और हमारे बच्चों को यतीम होने से बचाया और हुदूद हरम को खून आलूद होने से बचाया। कयामत तक के लिए उस्वा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस पर चलेगा उसे इस जहां में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में उसे अमन अमान राहत और सुकून वाली जिसका नाम दारुस्सलाम है वो जन्नत मिलेगी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हर नबी उस दौर में आता है
जब इंसान खुद अपने रिवाज और अपने दस्तूर बनाकर उलझनों में फंस जाता है, अंधेरियों में खड़ा हो जाता है और रोता है। ये मैंने इसलिए अर्ज किया है कि ये उम्मत आज से फिर तय कर ले कि वो सादिक का लकब हासिल करे, वो अमीन का लकब हासिल करे। चंद ही दिनों के बाद काया पलट जाएगी। आज अफसोस की बात यह है कि सूदखोर, सूद पर रकम देने वाले, वो अमीन बन गए, और जो सूदी निजाम से बचाने और बचने के लिए आए थे वो खाइन बन गए। क्यों? आज बैंक में रुपए रखकर आदमी मुतमईन है कि वहां मुझे पैसे पैसे का हिसाब मिल जाएगा, और हमें 10,000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है कि हो सकता है ये 10 भी ना मिले। कहां से चले तिजारत हमारी? हर शख्स अपने आप में तन्हा जिंदगी गुजारना चाहता है। हालांकि इस्लाम ने, नबी ने, कुरान ने, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, हरम पाक भी, दीन भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक? फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? इसका निजाम इज्तिमाई बनाया, ये जो आज हम बैठे हैं, ये मस्जिदें क्यों बनाई गई? क्यों कहा गया ला सलाता लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज भी नहीं होगी मगर मस्जिद में? अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम एक नाबीना साहबी, एक नाबीना साहबी है, आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहे अल्लाह के रसूल नाबीना हूं, ठोकरें लगती हैं, कदम जख्मी हो जाते हैं, कभी गिर पड़ता हूं, इजाजत है मुझे कि घर में नमाज पढ़ लूं? आका रहम दिल थे, फरमाया अगर ये परेशानी है, ये मुश्किल है, तो आप घर ही में नमाज अदा फरमा लें। जिब्रील आ गए, कहा बुलाओ इनको, बुलाओ। पूछा कि अजान की आवाज जाती है घर तक? कहा पहुंचती है। कहा फिर गुंजाइश नहीं है, आइए किसी का सहारा लेकर ही आइए और मस्जिद में नमाज पढ़िए। दरमियान में याद आ गया मुझे, मैंने जहां 7 साल गुजारे वहां दिल अग्यार से जख्मी नहीं हुआ, हुक्काम ने कभी नहीं सताया, मुझे तू कहकर भी नहीं पुकारा, किसी तरह का वैसे कोई तशद्दुद मेरे साथ नहीं किया, मगर दिल जख्मी था, आंखों से अश्क जारी थे, दिल जलकर कोयला और कबाब हुआ तो उनसे जो साहिबे ईमान थे, अहले ईमान थे, लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते हमारे साथ, तन्हा कोई अलग नमाज पढ़ रहा है, कोई 2 को लेके नमाज पढ़ रहा है, कोई 3 को लेके नमाज पढ़ रहा है, इस पर भी बस करते तो ठीक था, सामने वाले को न जाने किन किन फतवों से अल्काब से नवाजा जा रहा था, और तहरीक ये कि इसके पीछे नमाज मत पढ़ो। अल्लाह, ये उम्मत अल्लाह की रहमत का तो इंतजार कर रही है, मगर रहमत आएगी कहां से? यदुल्लाही अलल जमा क्यों कहा? क्यों कहा अल्लाह तबारक व तआला ने जमात? सिवाय उज्र ही में तो आप अदा अलग कर सकते हैं। तो नमाज इज्तिमाई, जकात इज्तिमाई, गम इज्तिमाई और खुशी इज्तिमाई, किसी का इंतकाल हो जाए तो उसे दफनाने जाओ, बीमार हो जाए तो रिश्तेदार अजीज व करीब आयादत को जाए। कितना सवाब बयान किया मैयत को कब्रिस्तान ले जाने का, इज्तिमाई तौर पर दुआ करो वरना हुक्म हो जाता कि ठीक है बेटा अलग से दुआ कर दे, बीवी अलग से दुआ कर दे, वो अलग से दुआ कर दे, हर खुशी और गम इज्तिमाई।
निकाह किया। अब निकाह में ये तो आपने पाबंदी नहीं की कि निकाह वाले दिन आप सबको बुलाइए, बल्कि जो जिसको दावत में आ जाए, लेकिन उसके बाद अउलिम वलव बिशातिन आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला से कहा कि आप खुशी में वलीमा तो कर दीजिए। यहां तक कि आपने सफर में भी अगर निकाह किए तो कुछ नहीं था तो सत्तू ही जमा कर लिया गया, जो कुछ पास था वही जमा कर लिया गया, मगर इस खुशी में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को जमा फरमाया। ईद की नमाज अकेला पढ़ लेगा ना ईमान था, एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ कहने लगा ईद की नमाज पढ़ेंगे यहीं पर। ने कहा इसकी नमाज की कुछ शराइत है, जुमे की शराइत है वो ईद की भी है, अगर वो खोलेंगे तमाम वार्डों के लोग तो पढ़ लेंगे। मीटिंग हुई सर, नहीं हम तो पढ़ेंगे। फिर उसने कहा कि अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो मैं अकेला पढ़ूंगा। तो मैंने कहा शरीयत तेरे बाप का खेल है क्या, अकेले खुतबा पढ़ लेगा, अकेले ही नमाज पढ़ेगा। लोगों ने कहा नहीं नहीं मुफ्ती साहब छोड़िए छोड़िए कोई बात नहीं, जो पढ़े वो पढ़े ना पढ़े, पढ़ ली पांच लोगों ने। फिर गैर मुस्लिमीन हंसे, कहने लगे कि क्या भाई मुफ्ती साहब आधे लोगों ने आपकी नमाज पढ़ी आधे ने नहीं पढ़ी, आपकी ऐसे भी होता है क्या। दिल के फकोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अल्लाह तबारक तआला की रहमत उन्हीं शराइत के साथ आएगी जो उसने शर्तें आयद की हैं, उन्हीं उसूल और जवाबित के साथ आएगी। दुनिया का हर बादशाह हर हुक्मरान कोई भी शख्स उसूल की खिलाफ वर्जी कर सकता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने जाब्तों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं बदलती, उसकी नुसरत उसकी मदद रहमतें और बरकतें आएंगी उन्हीं के साथ जो अल्लाह तबारक व तआला ने शराइत से मशरूत किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तादाद की जरूरत नहीं है, एक शख्स होगा अल्लाह तबारक व तआला उसी के लिए जिब्रील को भेजेगा, उसी के पास मीकाईल आएगा। कोई मां कोई बेटी कोई बहन साबित कर दे अपने आप को तो फिर उसी के पास उसके आंचल पर सजदा करने के लिए जिब्रील अर्शे आजम से आएगा। कुछ बताए तो सही कि मैं मरियम हूं, कोई बने तो सही कि मैं आयशा की रूहानी बेटी हूं। अल्लाह तबारक व तआला के रंग और रस्म नहीं देखी जाती, कौम कितना ही कहे ये कहां से आ गया, अल्लाह किसी का पाबंद है। तो मैं फिर अर्ज कर रहा हूं आज क्या है, एक तरफ पैसा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, वो तो अल्लाह के रसूल की पेशनगोई और खौफ पूरा हो चुका है जो आपने कहा था कि मुझे अपनी उम्मत पर फख्र व फाके का खौफ नहीं है, मुझे उम्मत पर खौफ ये है कि दुनिया अपने बाजू इन पर फैला देगी और ये ऐसे ही हलाक हो जाएंगे जैसे पिछली उम्मतें हलाक हुई थी। हाँ दुनिया ने आज अपने बाजू फैला दिए हैं, माल तो है, एक तरफ माल भी है दूसरी तरफ गुर्बत भी है। काश हम अपने नबी के पैगाम को समझ लें तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाए। माल है लेकिन वो ज़कात नहीं निकाल रहा, इधर मैन पावर है मेहनत करने के लिए बाजू है, मगर चूंकि दिल में हमें यह है कि ये बेईमानी कर लेगा इसलिए हम शराकत दारी के लिए तैयार नहीं। उनको देखिए तो दस दस लोग मिलकर के कोई कंपनी बना लेते हैं और देखते देखते कहां पहुंच जाते हैं। हम सगे भाई एक साथ नहीं मिल सकते, बाप और बेटे एक साथ नहीं मिल सकते, चचाजात और खालाजात भाइयों में एक साथ खड़े नहीं हो सकते जिनके खूनी रिश्ते भी हैं और वहां कोई रिश्ता भी नहीं है फिर भी एक साथ जमा, तो फिर हम दुनिया में भी कैसे तरक्की करते हैं और उखरवी एतबार से भी हम कैसे तरक्की करें। जिस चीज से हमें मना किया गया कि हसद मत करो, जो नेकियां कमा रहे हो वो भी खा जाएगी। हसद इस तरह नेकियों को खा जाता है
जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, हमारी अपनी नेकियां जो हमने नमाज पढ़कर कमाई हैं, जो सदका देकर कमाई हैं, जो हमने इबादत करके कमाई हैं, वो नेकियां हसद खा गया कि अरे इसने इतना ऊंचा मकान कैसे बना लिया, इसकी तिजारत रात दिन तरक्की क्यों कर रही है, रात दिन इसी कुढ़न इसी फिक्र में लगे हुए हैं, उसे नुकसान पहुंचाने पर लगे हुए हैं। जाहिर है कि उसका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सके, अपने ही आग में हम जल गए और उसका भी दिल का सुकून हमने छीन लिया। वक्त नहीं है कि मैं उसकी तशरीह करूं, इसलिए अल्लाह ने तो अपनी कुरान में अपने नबी से कहा कि आखिरी आयतें आखिर में रख दो, उसमें पनाह मांगी गई है चंद चीजों से। उस वक्त उसमें एक चीज ये भी है, वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूं, मुझे पनाह दे दे हासिद के हसद से, शर्री हासिदिन। और हासिद का वक्त बड़ा खतरनाक होता है, जिस वक्त वो हसद कर रहा होता है, जब वो हसद कर रहा हो उस वक्त से पनाह में मुझे अपने ले लीजिएगा, वरना उसकी हसद की आग मुझे जलाकर खाक कर डालेगी और मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। इस वक्त कोई हासिद हसद कर रहा होता है तो उसकी हसद की आग में वो जलता है, तो जिस तरह आग से शोला निकलता है उसी तरह उसके दिल से शोला निकलता है और उसकी आंख में आता है और आंख उसकी सुर्ख हो जाती है, और ये हसद की आंख जब किसी पर पड़ती है तो उसको अपने हसद से जला डालती है। ये वो जो बद नजर कहलाती है, जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा आईनो हक्कुन, आंख हक है। ये वो बदनजरी होती है कि किसी दीवार मकान पर पड़ी तो वो क्रेश हो गया, किसी गाड़ी पर पड़ी तबाह हो गई, और किसी की औलाद पर पड़ी तो खत्म हो गई। लेकिन हमें मना किया गया कि हम हसद ना करें, मांगे उस अल्लाह तबारक व तआला से जिसने उसको दिया है वो हमें भी अता कर दे। इसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई कि काश उनको हम पढ़ लेते, अपनी जिंदगियों में शामिल कर लेते, और मुनाजात मकबूल में या हिजबुल बहर में जो उलमा ने जमा फरमा दी, इसने हसीन में जमा कर दी है, वो हम अपने हफ्ते का मामूल बना लेते कि अल्लाह के रसूल ने कैसी कैसी दुआएं हमको सिखाई। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तजअलनी हासिदा, अल्लाह मुझे हासिद मत बनाइएगा, वजअलनी महसूदा, मुझे महसूद बना दीजिए। महसूद का मतलब जिसके पास नेमत हो, तो मुझे नेमत वाला तो बनाइए, नेमतें मुझे दे दीजिए, मुझसे लोग चाहे हसद कर रहे लेकिन मैं हसद याद में जन्नत। हजरत हकीम अख्तर साहब नवरल्लाह मरकदह, बहुत पाए के बुजुर्ग आलिम बिल्ला शाहब साहब नवरल्लाह मरकदह के खलीफा गुजरे हैं, आपने उनकी किताबें और नाम सुन फरमाया। आपने एक जगह जौनपुर में एक मरतबा मुशायरा हो रहा था, तो शायरों ने एक तरह दी कि इस पर जरा शेर बना के लाओ, तो बहुत सारे शायर शेर बना कर लाए। पहला मिसरा था उसका, कोई नहीं जो यार की ला दे खबर मुझे, कोई नहीं जो यार की ला दे खबर मुझे। लगा मिसरा एक नौजवान बच्चा था, उनफान शबाब में था, उसने उसका अगला मिसरा लगाया, कोई नहीं जो यार की ला दे खबर मुझे, ऐ सैले अश्क तू ही बहा दे उधर मुझे। मेरे महबूब की खबर तो मुझे कोई ला के नहीं दे रहा है, ए आंसू इतना बहो कि ये सैलाब बन जाए और मैं बहकर अपने महबूब के पास पहुंच जाऊं। क्योंकि नौजवान था, बड़े बड़े उम्रदराज शोरा वहां बैठे थे, हसद की नजर से किसी ने देखा, बुखार आया, 3 दिन के बाद उसका इंतकाल हो। ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मती, इसके लिए अल्लाह के रसूल आए, वो फरीजा हमारे ऊपर है। आपने फरमाया उलमा उम्मती के अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की मानिंद हैं। ये तो कतई बात है कि वो दर्जा तो किसी को नहीं मिल सकता,
جب کسی صحابی کو کوئی ولی کوئی غوث کوئی ابدال کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا تو نبی کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ مگر یہ آپ سمجھانے جا رہے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری اس وقت انبیاء کرام کی تھی وہ میری امت کے علماء کی ہے، وہ پیغام نبوت اب آپ کو پہنچانا ہے، وہ مشقتیں آپ کو جھیلنی ہیں، وہ شدائد آپ کو برداشت کرنے ہیں، اور اس امت کا ناصر بن کر آپ کو نکلنا ہے، دروازوں پر جانا ہے، گھر گلی اور کوچوں میں ان کو پکارنا ہے اور دعوت دینا ہے، اے لوگوں ادھر آؤ، پلٹ آؤ، ادھر توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، مصائب آ رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاؤ۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، کہیں فرمایا کہ استغفار کرو گے تو یہ بارشیں جو نہیں ہو رہی ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا اللہ تبارک و تعالی، تمہاری اولادوں میں کثرت ہوگی اور تمہارے اموال کو اللہ تبارک و تعالی کثیر بنا دے گا، ایک طرف یہ سمجھا رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی قوم سے جا کر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دی ہیں، جو مال دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس سے آخرت کماؤ۔ جو قارون کو نصیحت کی گئی تھی کہ دنیا کا اپنا حصہ بھی لے لے اس سے اور آخرت بھی اس سے کما لے، مگر اس نے کہا مجھے آخرت نہیں چاہیے۔ اور ذرا غور کیجیے قرآن میں نبی لوگوں سے جا کر کیا کہتے ہیں، اتبنون بکل ریب آیتا تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچے مقام پر ایک ایسی عمارت جو بالکل عبث ہے، اتبنون بکل ریب آیتا تعبثون، عمارتیں بنانے کا تمہیں شوق ہے، عمارتوں میں فخر کر رہے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، پچھلے نبی کی بات ہے، قوم عاد اور قوم سموس سے سمجھایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ترقیات سے نوازا تھا اور اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں چور وہ یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ایسی سینریاں بناتے دیواروں پر، ایسی نقش کاری کرتے کہ لوگ بھول جاتے کہ ہم کسی باغ میں کھڑے ہیں یا کسی چمن میں کھڑے ہوئے ہیں، دیواروں پر بناتے، الذین جابوا الصخر بالواد، وادیوں کو چھیل ڈالا اور پہاڑوں کو انہوں نے تراش کر اس میں اپنے مکانات بنائے، قوم سمود نے یہ کیا اور قوم عاد نے اس سے پہلے اپنے مکانات بنائے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور نبی ان کو ڈراتے رہے کہ ایسا مت کہو، تو وہ نبی ان سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ تم یہ عمارتیں ایسی کیوں بنا رہے ہو جو عبث ہیں، تمہیں کتنے دن یہاں رہنا ہے؟ کہتے ہیں تتخذون مصانیع لعلکم تخلدون، اور کارخانے کیسے بنا رہے ہو؟ مسنا کارخانے کو تو کہتے ہیں، فیکٹریاں کیسی، جیسے ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایسا بناؤ کہ یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، وہ ان کی علامت ہے عاد اور ثمود کی، انبیاء کرام یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا عارضی ہے، کن فی دنیا کا انہ کا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، او کاج سبھی جیسے راہ چلتا، اس طرح سے زندگی گزارو، اسباب کم ہوں۔ کیا فرمایا؟ نکاح کے تعلق سے آپ نے کتنا آسان بنایا، کیا کیا بات مل سکتی ہے، سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے، جس میں کم سے کم مشقت ہو، کم سے کم تام جھام ہو، کم سے کم خرچہ ہو، مگر اے اس علاقے کے رہنے والوں مبارک ہو آپ کو، میں جب اس زمانے میں آیا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں الحمدللہ ہم نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ بیٹی کے نکاح پر ایک روپیہ خرچ نہیں ہوتا،
हम तो सिर्फ आह भर के रह जाते हैं। हम जिन इलाकों में ताल्लुक रखते हैं और जा रहते हैं, वहां ये वबा बढ़ती ही चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं लेती। हम तसव्वुर में सोचते हैं कि कैसे लोग हैं कि जहां बेटी के निकाह पर, यहां तो हाल ये है कि बेटी की मंगनी पर 60-60 तोले सोना बेटी वाले को देना पड़ता है अपनी हैसियत के मुताबिक। और जैसे ही बेटी शुरूर की उम्र पे कदम रखती है, नहीं मालूम कितनी रातें उसकी मुसल्ले पर रोते हुए गुजरती हैं। एक बेटी को देखने आता है, छोड़कर चला जाता है, दूसरा आता है नापसंद करके चला जाता है, तीसरा आता है पूछकर चला जाता है। अगर एक बेटी को किसी ने मोटरसाइकिल, पहले की बात कर रहा हूं, ना दी हो तो दूसरी बहनों का निकाह नहीं होता, 5-5 साल 6-6 साल गुजर जाते हैं। और जब उनको यह पता चलता है कि फोर व्हीलर गाड़ी हमें मिलने जा रही है, तो जाकर उसका रिश्ता आता है, उम्रें गुजर जाती है 25-28 साल, इसकी जवानी उजड़ जाती है, चेहरे पर उसके गम के आसार नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इसको जवानी में किसी ने बूढ़ा कर दिया है। उस बच्ची पर क्या गुजरती है जब उसे इसलिए ठुकरा कर चले जाते हैं कि उसके बाप के पास देने के लिए जहेज वो नहीं है जो उनका मुतालबा है। क्या ये अमीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुंह दिखा सकेंगे? क्या कल कयामत में ये कह सकेंगे जो आज मुझे बताया गया, 6 लाख 6.5 लाख का दिल्ली में सिर्फ एक अमीर फंक्शन हॉल किराए पे खरीदता है, खर्चा लग रहा खाने का 6.5 लाख रुपए का फंक्शन हॉल खरीदा जाता है, उसमें दावत दी जाती है और खाने जमीन पे बखेरे जाते हैं, जानवरों बंदरों की तरह खाते हैं। न मेहमान का इकराम, कुछ नहीं, आओ और जानवर की तरह खाते चले जाओ। पैसे का ये लुटाना और फिर रोना क्या? हमें सताया जा रहा है, हमारे साथ मामला इंसाफ का नहीं किया जा रहा। तू अल्लाह के रिज़्क़ के साथ जुल्म कर रहा है, तू अपनी जात पे जुल्म कर रहा है, तेरी वजह से न जाने कितनी बच्चियां, कोई नहीं आया उनका रिश्ता मांगने के लिए, जवानियां उनकी ढल गई, औलादे होना थी उससे साले, न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं, उनके आंसू आते हैं। काश अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को तौफीक दे दे के अपने नबी से हकीकी मोहब्बत का जो रिश्ता है उसे कायम कर। आप आ जाइए, क्या थे अहले अरब, क्या था 1400 वर्ष पहले उनका हाल, और बल्कि 1935-39 तक उनका क्या हाल था? कोई था उनकी तरफ देखने वाला? चंद खजूरों के सिवा उनके पास क्या था? बकरियां चराने और ऊंटों के चराने के सिवा उनके पास क्या था? मगर अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 वर्ष पहले जब अपनी आखिरी नेमत उनको अता कर दी, अपना आखिरी रसूल उनके बीच में बरूस कर दिया, और जब आखिरी पैगंबर उनको दे दिया, दुनिया की बेशबहा दौलत उनको दे दी, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के बीच खाना काबा बना दिया, दुनिया का मरकज उनको बना दिया, अल्लाह ने उस खित्ते को वही के मोहब्बत के तौर पर चुना, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खित्तिया खित्ते अंबिया और रसूल बना दिया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनियावी एतबार से भी उनके यहां पेट्रोल और डीजल के खजाने और गैस के खजाने और सोने चांदी के पहाड़ बन दिए। लो सारी नेमतें मैं तुम्हें देता हूं, रूहानी नेमत भी, उखरवी नेमत भी और दुनियावी नेमत भी। दुनिया तुम्हारे दर पे आके भिखारी है, सारी दुनिया तुमसे भीख मांगेगी, हमें वीजा दे दो, हम रसूलुल्लाह के दर की ज़ियारत करने, हमें इजाजत दे दो सफर की, हम अल्लाह के दर पे हाजिरी देना चाहते हैं, हमारी जबान से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदा पर लब्बैक निकल गया है आलम अजल में, हम उसकी सआदत हासिल करने के लिए तुम्हारे शहरों में आना चाहते हैं। मगर ये कौन है जिनको अल्लाह तबारक पता ने सब कुछ दे रखा है मगर उसके बाद भी हज पर हर साल पैसे बढ़ाते चले जा रहे? सोचो, मुझे तनकीद का हक नहीं है, मगर बहैसियत नबी के गुलाम
और एक उम्मती के एक गरीब की तर्जमानी का हक तो हासिल है, वो गरीब कहां से लाएगा। हाय काश तुम ये कह देते कि दुनिया जहां वालों आओ, हम उस्मान गनी की औलादे हैं, तुम्हारे लिए दस्तरखान सजाएंगे और तुमसे कोई किराया इसका हम नहीं लेंगे। अमीरों आओ तुमसे तो लेंगे, शाहों और सल्तनत के वजीरों आओ तुमसे तो लेंगे, लेकिन ऐ गरीबों तुम्हें हम देंगे। क्या अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम्हारी सरजमीन पे नहीं थे? यहां तक उस्मानी साहब ने इस्लाही खुतबात में बात लिखी है और आपने पढ़ी है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक एक मर्तबा हज पे निकले, ऐलान कर दिया कौन है जो हमारे साथ सफर हज पे चलेगा, अपनी दरख्वास्त दी किसी अल्लाह वाले के साथ, आज अगर जाने का मौका मिल जाए कौन नहीं जाए। चल पड़ो, लोग गए तो पैसे जमा कर दो, सबकी थैलियां जमा कर ली। जमाने में दौर अशरफी का था, वहां पहुंचे वहां कहा कि किसी से किसी ने अगर मांगा हो हदिया तोहफा बताओ क्या खरीदना है, सबने लिखवा दिया हदिया तोहफे जो वहां से चीजें मिलती थी खरीद कर दे दी। वापस आए, सबके हदाया वापस किए, जो उसके उनकी अशरफियां थी वो संदूक में बनती और सबको वापस की। कहा इस साल तमाम लोगों का हज मेरी जानिब से रहा। ये है अब्दुल्ला बिन मुबारक, आज का दौर है, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। मौत आएगी ले जाकर रहेगी, लेकिन आज जरूरत है उम्मत के यतीम, उसके मिस्कीन, उसकी बेवाएं, जिसके पास रहने को मकान नहीं है उसी से पूछो कि जब बरसात होती है तो उसका छत टपकती है तो किस तरह उसके दिल पे बीतती। इसलिए इस्लाम माल कमाने को मना नहीं करता, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि वफी अम्वालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइली वल महरूम। माल यकीनन अल्लाह ने तुम्हें अगर दिया है तो इसमें तुम हक है, मिस्कीन उसका भी जो मांगने आया और उसका भी जो मांगने नहीं आया। मगर आज इनको देख लीजिए, समंदर में इमारत बन रही है, कौन कौन से बुरुज बन रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमें उनकी नकल नहीं करना, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाना है कल। कौन करेगा सिफारिश, कौन देगा हौज़े कौसर का जाम, कौन खड़ा होगा मीज़ान अमल पर हमारा नामे आमाल तुलवाने के लिए। उस दिन इस लायक तो हम हो जाएं कि अल्लाह के रसूल के सामने हम ये कहें कि हम आपके गुलाम, आपके फदाई, आपके वफादार। चंद मुंतशिर बातें मैंने आपसे की, कितने लोग हैं हम में से जो मजदूर की मजदूरी पूरी नहीं देते। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं आतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजुफ्फा अर्कुहू, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। जिस दिन ये उम्मत के ताजिर ऐसे बन जाएंगे तो फिर दूसरी कौमें आपके पास आएंगी, उन्हें भी दो रुपए का नफा नजर आएगा तो आपके पास आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबियाए किराम ने जो मुआशरा तरतीब दिया, जो उनके मानने वाले लोग थे, उन्होंने ऐसा ही इनकलाब बर्पा किया जमाने में। अगर चारों तरफ लोग झूठ बोल रहे हैं तो उनके मानने वाले सच्चाई की बात कर रहे हैं, और ये तय हो गया कि मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान जो झूठा है वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये सच्चे हैं, ये सच्चे, ये सच्चे हैं, ये वादा खिलाफी नहीं कर सकते, ये धोखा नहीं दे सकते, चूंकि इनके नबी ने कहा है मन गच्चा लैस मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये अमानतदार हैं, ये खियानत नहीं कर सकते। और ये सब करके भी हम अंबियाए किराम का साथ पा सकते हैं। अगर एक तरफ कोई शख्स अपने बच्चे को हाफिज बनाकर अंबिया की सोबत हासिल कर सकता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ताजिर सदूकुल अमीन मान नबीन व सिद्दीकीन व शहदा, कि फिर सच्चा अमानतदार ताजिर नबियों के साथ, सिद्दीकीन और शहदा के साथ। इस तरह हम अपने आप को लाए।
میں نے حدیث پڑھی تھی اس کو بیان کیے دیتا ہوں. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انما بعثت معلما لأتمم مكارم الاخلاق. میں تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, چونکہ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا, تو جاہلیت کے اندھیرے کو مجھے تبدیل کرنا ہے, تعلیم کے اجالوں سے اس اندھیرے کو ختم کرنا ہے. انما بعثت معلما, میں معلم ہوں, میں تمہیں تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں. معلم الکتاب والحکمہ, میں کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے تمہیں مبعوث کیا گیا ہوں. اور ان کی ذمہ داری بتا رہا ہے قرآن, ویزکیہم, اور وہ تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے نفس کا تزکیہ بھی کیا ہے, تو ہمیں اپنے نفس کے تزکیے کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے دل کو, نفس کو اور دل کو اپنے پاک کو صاف کر لیں, اور اللہ سے دعا بھی کریں, اللہم طہر قلوبنا, اللہ ہمارے دل کو پاک کر دیجئے, اور اللہ ہمارے نفس کو پاک بنا دیجئے. یہ ساری دعائیں بھی ہمیں کرنی ہیں, اس کی محنتیں بھی کرنی ہیں, اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نے کیسی آتی. لوگ کہنے لگے کہ با اخلاق یہ نظر آئے چاروں طرف, دنیا بھی ہماری کامیاب اور آخرت بھی ہماری کامیاب. وہ جب بھیجے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چاروں طرف سے کراہیں تھیں, ایک طرف معصوم بچیاں تھیں جو زمین میں زندہ دفن کی جا رہی تھی, اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا. ایران کے کسرا کو کیا پڑی تھی, کوئی بچیوں کے سلسلے میں لفظ بولے, اور روم کے قیصر کو کہاں پڑی ہوئی تھی کہ وہ ان کے بارے میں کوئی بات کرے, مگر نہ جانے کہاں کہاں وہ بیٹیاں زندہ زمین میں دفن ہوتی, اور جیسے ہی انہیں دنیا کا شعور ہوتا, کوئی اور نہیں باپ اپنی بیٹی کو جنگل میں لے جاتا. ایک درندہ بھی اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا, شیر اپنے بچے کے لیے سارے جہاں سے لڑ جائے گا, ایک کتا اپنے بچے کے لیے دنیا بھر کو پھاڑ ڈالے گا, ایک بندر باوڑا اور پاگل ہو جائے گا اگر اس کے بچے کو کسی نے چھیڑ دیا. مگر یہ کیسا انسان تھا چھٹی صدی عیسوی کا کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے, اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے, اور اس صنف نازک کے ساتھ وہ ظلم و ستم کر رہا ہے. آسمان رو رہا تھا, زمین کراہ رہی تھی, درخت چرمرا رہے تھے, مگر کوئی ان کی صدا سننے والا نہیں تھا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے گھر میں ایک در یتیم کو بھیجا, جسے حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. اس نے آ کر اعلان کیا, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ آج کے بعد کوئی اپنی بیٹی کو قتل نہ کرے. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اس دن قیامت میں جو درگور کی گئی ہیں زندہ بیٹیاں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر لائے گا, اور مقدمہ اس کے باپ کے خلاف کھڑا کیا جائے گا. وہ اس سے پوچھا جائے گا, اے بیٹی بتا تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا؟ آخر وہ کیا جواب دے گی؟ وہ یہ کہے گی, اے اللہ تو ہی بتا مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا, میں تو صنف نازک تھی, نہ میں تلوار اٹھانے کے قابل تھی, نہ میں تیر بھالا چلانے کے قابل تھی, بس میرا جرم یہی تھا کہ میرا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا. تو نے کہا تھا یہبو لمن یشاء اناثا ولمن یشاء الذکور, وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. میرا جرم یہ تھا کہ رحم مادر میں تو نے مجھے کلمہ کن سے بیٹی بنایا تھا, بس بیٹی ہونا ہی میرا جرم ہے, اس بنیاد پر اس نے مجھے زندہ دفن کیا. جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے اس فعل سے توبہ کر لی. لا تقتلوا اولادکم من املاق, کا جب پیغام آیا روک لیے ہاتھ اور اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے لگے. لا تقتلوا اولادکم, خشیت املاق کا جب حکم آیا تو روک لیا انہوں نے اپنے آپ کو. زمانے دور حاضر کی جاہلیت آج پھر سے یہی ہم سے کہتی ہے, اپنی اولادوں کو قتل کرو اور اپنے اور خاندانی منصوبہ بندی بناؤ. رزق کہاں سے آئے گا, روزی کہاں سے آئے گی, معیار کہاں سے بنے گا, اسٹیٹس کہاں سے بنے گا, تعلیم کہاں سے بنے گی. دنیا کچھ بھی آواز لگا رہی ہو, مگر آپ تو اپنے نبی کے اس فرمان کو سن کر کے کہو نہیں, اگر بیٹی آئی ہے تو میرے لیے بشارت ہے, توبہ ہے, مزدہ ہے, یہ میرے لیے ستر من النار ہے, یہ میری جہنم جنت کی ضامن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من اعلی جاریتین, جس نے دو اپنی بیٹیوں کی پرورش کر لی, وزم اور وہ جو قیامت میں اس طرح آئے گا, قیامت میں اس طرح آئے گا, جا یوم القیامتی انا ہوا انا وہوا کہاتین, جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا لیا. آج مفتی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کوئی تقریر ہے اسلام میں عورت کا مقام, اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا, چونکہ ابھی تک تو ایسا موقع تھا نہیں.
क्या दिया इस्लाम ने औरत को, यही आज हम दुनिया को बताने जा रहे हैं और हमें उसका अमली नमूना पेश करना चाहिए। बेटियों को खुश रखें। और साथ ही साथ आगे एक बात और आपसे अर्ज कर दूं कि जमाना कयामत की चाल चल रहा है, हमें भी चूंकि दाई की हैसियत में जीना है तो दाई के पास वो चीजें भी होनी चाहिए जिससे लोग मुतासिर हों। वो गैब की चीजों को नहीं जानते, वो हालात को जानते हैं। इसलिए उन उलूम और फ़नून जिसकी हमें कुरान इजाजत देता है सीखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, जिससे हमारा इस्लाम नहीं रोकता। बस शर्त यह है कि हम इस्लामी आदाब की रियायत करते हुए, पर्दे का लिहाज करते हुए, अपने उसूल और ज़वाबित की पाबंदी करते हुए उनको भी देखें। और जो अल्लाह ताला ने कहा अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लाह ने इल्म दिया है कलम के जरिए, कलम की ताकत को पहचाने। ये कलम की ताकत बहुत जबरदस्त अल्लाह ने अता फरमाई है, इससे हम पीछे कहीं ऐसे मकाम आते हैं जहां कलम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है, जहां छोटा सा इल्म हमें बहुत कुछ बता देता है। जहां से मैं जिंदगी गुजार कर आया हूं, अगर वहां अंग्रेजी जानने वाले ना हो लोग तो जेल मैनुअल कैसे पढ़ेंगे? उर्दू में तो है नहीं, अरबी में तो मौजूद नहीं है, फारसी में भी नहीं, जेल मैनुअल इंग्लिश ही में है। तो जो हमारे साथी जेल मैनुअल इंग्लिश पढ़े हुए थे, उस जेल मैनुअल लिखा है कि ये सहूलियात, ये रियायतें, ये चीजें इनको मिल सकती हैं, तो वो मिलती हैं। और जबान के मामले से नहीं मिलती, जब वो एप्लीकेशन डीजी को चली जाती, यो एप्लीकेशन कोर्ट में पहुंच जाती, तो अब कोर्ट मजबूर है चूंकि आईन और दस्तूर के मुताबिक उसे रखना है, तो वो चीज हमें दस्तियाब होती। इसी रमजान की बात है, जहां पर हम थे वहां उन्होंने चावल बंद कर दिए, चावल नहीं देंगे और ठंडा पानी आपको नहीं देंगे, कुछ नहीं, बस जिस रोटी मिलेगी रमजान में। अब कर्नाटक के और केरला के और कश्मीर के साथ ही परेशान हो गए, हमें तो खैर कुछ परेशानी नहीं, हमें तो रोटी मिल जाए। एक शख्स की तारीख थी, भटकल के थे वो, उसने कहा ठीक है कल मेरी तारीख है कोर्ट पे, परसों तुम्हें देना ही पड़ेगा। उसे जाकर जज के सामने कहा, एप्लीकेशन वो लिखवा कर लेकर गया, उसने जज साहब से कहा कि जज साहब मेरी पहले से चावल की डाइट लगी हुई थी, लेकिन रमजान में इन्होंने मेरी चावल की डाइट बंद कर दी, और हम ऐसे इलाके के लोग हैं जहां चावल ही खाते हैं और बर्फ जो है वो आता था, क्योंकि ये लोग आ रहा है हमारे यहाँ नहीं आ रहा, उसने कहा सारी जगह आ रहा। उसने स्टूडेंट को वीडियो कॉल पे बुलाया और कहा आज ही इनकी चावल शाम को आ जाने चाहिए और इनका बर्फ भी आ जाना चाहिए। चूंकि उनके लिए कोर्ट का ऑर्डर है, वो हर हाल में होना है। तो वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि अगर ये इस तरह के साथी ना होते जो उस कानून और उस आईन को पढ़कर उनके सामने रख रहे हैं। कुछ साथियों को छूटना था, वो 6 महीने पहले छूट गए, क्योंकि उसमें कानून है कि कैदी अगर मशक्कत करेगा तो मशक्कत की उसे रिमिशन मिलना चाहिए, और रिमिशन वो 4 महीने 3 महीने भी हो सकती है। तो फिर एक साथी ने कहा कि भाई हम मशक्कत करना चाहते हैं, हालांकि हम हारिस में रहते हैं, हमें मशक्कत दीजिए। और तुम्हारे जेल मेल में लिखा है कि अगर किसी वजह से कोई कैदी को जेल प्रशासन मशक्कत नहीं दे सका तब भी उसकी रिमिशन बनती है। जब स्टूडेंट के सामने बात रखी तो उसने कहा ये बात तो आपकी सही है, मशक्कत हम नहीं दे पा रहे हैं इसलिए आपकी हम रिमिशन नहीं काटेंगे। वो 6 महीने पहले निकलकर चला गया। तो अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, छांटो, सिलेक्शन करो, मुंतखब करो और सलाहियतों को पहचानो। आखिरी बात कह रहा हूं जो मैंने किसी जमाने में किसी बड़े आलिम से सुनी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाहियतें पैदा नहीं की, सलाहियतों को समझकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें परवान चढ़ाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज भी बासलाहियत औलादें हमें दे रहा है। आज के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं जो हम नहीं थे, हम उन चीजों को नहीं जानते टेक्नोलॉजी की जो हमारे 5 साल के बच्चे जानते हैं, जो हमारे 9 साल के बच्चे जानते हैं, क्योंकि हमें तो दुनिया से चंद दिनों बाद चले जाना है, लेकिन वो अभी 50 साल जिएंगे, सैकड़ों साल जिनको जीना है उसी हिसाब से अल्लाह तबारक वताला उनको भेज रहा है। लिहाजा जिनकी सलाहियतें हैं उनका इंतखाब करो, इंतखाब करके उनको परवान चढ़ाओ, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो जाहिलियत में आगे था वो इस्लाम में भी आगे आएगा। इसलिए आओ, जहां जाओ
अल्लाह ने आपके घरों में जो बच्चे दिए हैं, जो औलादें दी हैं, चाहे मदरसों में है, स्कूलों में है, कॉलेज में है, मुझे आप ये बताइए कि अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं होंगे तो मौलाना इलाज कराने कहां से जाएंगे? किसी की पसली टूट गई, घुटना टूट गया, तो इलाज कौन करे? आज हाल यह है दिल्ली में, गुर्बत की वजह से न जाने कितनी औरतें जब हामिला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो सरकारी अस्पतालों में जाती हैं और उनकी डिलीवरी पर मर्द होते हैं, मर्द डॉक्टर होते हैं। और मैं वो बात कह नहीं सकता, मस्जिद का तकद्दस मुझे इजाजत नहीं देता कि औरत जो अपने चेहरे को भी किसी के सामने खोलना नहीं चाहती, वहां वो गैर महरमों के सामने खोलती हैं। कब तक हम इन चीजों से अपना नजरें छुपाएंगे? कब तक हम अपने दामनों को बचाएंगे? हमारे पास क्या नहीं होने चाहिए ऐसे सिस्टम? अल्लाह तबारक ने हमें दौलत दी है, माल दिया है, तो क्या हम इस तरीके से अपनी औरतों को तरबियत नहीं कर दे सकते? जिक्र तो सुनाएंगे हम कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला रास्ते में थे, एक जगह पर गए, वहां पर उन्होंने खैमे से रोने की, कराहने की आवाज सुनी और ये पूछा कि भाई औरत क्यों रो रही है? तो अंत पता चला कि दर्द ज़ेह का शिकार है और दर्द ज़ेह से ही मैं मुब्तला है। वो आपने कहा कि अच्छा, क्या इसके पास कोई दाया है जो बच्चा जन्ने के वक्त मौजूद होती है? उसने कहा मैं राह चलता मुसाफिर हूं, यहां दाया कहां है, बस ये अकेली औरत है और मैं हूं। उसी वक्त अपने घर में गए और अपनी बीवी फातिमा को लिया और साथ में जो दाया अपने कपड़े रखती है, जो चीजें एक बच्चे की विलादत पर जरूरत होती है, खुद अपनी बीवी को उठाकर लेकर आए और अंदर कहा तुम जाओ, पूरी तीमारदारी करो, बच्चे की विलादत तक तुम्हें वहीं रहना है। दोस्तों, अकेली तनहा रास्ते में एक औरत है, जब बच्चे की विलादत हुई तो वह हजरत उमर की अहली आकर कहती है अमीरुल मोमिनीन अपने साथी को मुबारकबाद दीजिए कि इसको अल्लाह तबारक पता ने औलाद अता की। हजरत उमर की बीवी तो दाया है और एक यहूदी है, वो क्या वो यहूदी इस्लाम से मुतासिर नहीं होगा? क्या वो हजरत उमर से मुतासिर नहीं होगा? क्या इस वाक्य को कोई पढ़ेगा और सुनेगा तो मुतासिर नहीं होगा? इसलिए शरवी हुदूद में इस्लाम की पासदारी करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम रास्ते खोलेंगे। बस यही कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि इस वक्त हम पर हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां, उन सबको हमें निभाना और मानना है अल्लाह तबारक तआला से, रोकर मोहब्बत के दीप और चिराग जलाना है। उलमा, दूसरे उलमा से मोहब्बत करो, अपने बच्चे से जो डॉक्टर होने जा रहा है, जिसकी आरज़ू है, जिसकी उम्मीदें हैं और जिसके ख्वाब हैं, वो हो सकता है ये चाहता हो कि मैं अपने कौम की खिदमत करूंगा। हम देखते हैं, हमने जेलों में देखा और हमने बाहर भी देखा कि लफ्ज़े ईमान और इस्लाम देखकर वो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और हम हमारी खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं और आज भी हर जगह पर वो मौजूद होते हैं और हम उसे इस नजर से ये देखें कि ये बच्चा तो डॉक्टर है और सिर्फ सारे तंग अल्लाह ने हमारे ही लिख रखे हैं और हम ही अल्लाह तबारक व तआला के चहेते हैं और अल्लाह के महबूब हम ही हैं, ऐसा मत सोचिए। ऐसे 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 वहमो गुमान में मत जाइए। इसी पिंडार में यहूदी जीते थे और यहूदी यही कहते थे नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहू, हम अल्लाह के महबूब हैं और उसके दोस्त हैं और हम ही अल्लाह तआला के चहेते हैं, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमें ही जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला ने कहा तुम जहन्नमी हो, जहन्नम की डांट और ईंधन हो और तुम अल्लाह ताला के गजब के मुस्तहिक हो। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, तुम पर ज़िल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी गई है। इस ख्वाबो ख्याल में मत रहो कि अब ठेकेदारी तुम्हारी है, वो ताज हमने बनू इस्माइल के सुपुर्द कर दिया। वो वाकिया, वो औरत है, वो फाहिशा है, वो एक तवाइफ है, वो जिससे समाज नफरत करता है, लेकिन वो जब एक कुत्ते को प्यास से तड़पते हुए देखती है और उससे बिलखते हुए देखती है, उसके अंदर का जमीर जाग उठता है, अपना मौजा निकालती है और कुएं से पानी खींच करके उस कुत्ते को पिला देती है। ये किसी और ने खबर नहीं दी है, ये सादिक और अमीन ने खबर दी है जिसे जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों से शबे मेराज देखा है। उसने जन्नत में खड़ी उस औरत को देखकर तुम्हें बताया है कि वो सिर्फ इस बुनियाद पर जन्नत में गई है कि उसने कुत्ते को पानी पिलाया है। और वो औरत जो रात को तहज्जुद पढ़ती थी, जो शब जिंदादार थी, जो रात को आंखें भरती थी, लेकिन एक बिल्ली को पालकर ना उसे आजाद छोड़ा और ना उसे खाने के लिए कुछ दिया, वो बिल्ली तड़प तड़प के मर गई, उसे रसूलुल्लाह ने जहन्नम में जलते हुए देखा। हम हकारत छोड़े, अल्लाह कबूल कर ले, ठीक है, हम अपना फरीजा अंजाम दें, वो दूसरा फरीजा अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। बस ये मोहब्बतें एक दूसरे को तकसीम कर दीजिए, अपनी आगोश में ले लीजिए।
قربانی کو قبول فرمائے. بعد و دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, زندگی کی ساری خطائیں اور لغزشیں معاف فرما. اے اللہ یہ تجھ پر ایمان لانے والے, تیرے نام پر فدا ہو جانے والے, تیرے ہی نبی کے حکم پر اپنے چہروں پر داڑھیاں اور سروں پہ ٹوپیاں رکھنے والے, ٹکنوں سے اونچے پجامے اور نبی کی سنت سمجھتے ہوئے سفید لباس پہننے والے, یہ اے اللہ اس 21ویں 22ویں صدی کے نوجوان, 23ویں صدی کے نوجوان و بزرگ یہاں جمع ہوئے صرف یہ سوچ کر کہ کوئی تیرا پیغام سنائے گا, کوئی تیری باتیں ہمیں سنائے گا. یہ ایک مظلوم شخص کی حوصلہ افزائی کے لیے, اس مظلوم شخص کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے. مولا جو ہم کہنا چاہتے تھے شاید نہ کہہ سکے, جو تو نے کہلوایا اسے قبول فرما. یہ زبان تیرے ہی حکم سے چلتی ہے, یہ دل و دماغ تیرے ہی تابع اور فرمان ہیں. اے اللہ جو کچھ کہہ دیا اسے قبول فرما لے. جوش جذبات میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, کوئی نفسانی خواہش پیدا ہو گئی ہو, اسے معاف فرما دے, اسے معاف فرما دے. صبح سے لے کے شام تک ہم خطائیں کرتے رہتے ہیں, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے مولا کریم, اے رب رحیم, میرا دل تڑپتا تھا کس طرح میں ان لوگوں سے جا ملوں جن سے میں 7 سال پہلے مل کر آیا تھا. وہ میرا آخری سفر تھا اس علاقے کا, میرے پاس اسباب اور وسائل نہیں تھے. اللہ ان نوجوانوں کو نہ جانے کہاں سے میرا نمبر ملا, مجھ سے رابطہ کیا, مجھے دعوت دی, آنے کے اسباب پیدا فرمائے. تیری ذات ہی تھی جس نے میرا نمبر ان تک پہنچایا, انہوں نے آنے کے سبب پیدا فرمایا. اے رب کریم ان نوجوانوں کی اس قربانی کو قبول کر. میرے پاس نہ انہیں دینے کے لیے کچھ ہے, نہ انہیں نوازنے کے لیے کچھ ہے. ہم تو مولا کریم ان کے ہدیے کے بدلے ہدیہ بھی نہیں دے سکتے. رب کریم لیکن تو اپنے شان شان ان کو اپنی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما, دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرما, اخروی نعمتوں سے مالا مال فرما, بدنگاہوں سے ان کو محفوظ فرما, حاسدوں سے ان کو محفوظ فرما, ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. اے رب کریم تو چاہے تو شیر کو ہمارا دوست اور ساتھی بنا دے, تو چاہے تو سانپ کو بھی ہمارا محافظ بنا دے, تو چاہے تو فرعون کو حضرت موسیٰ کا رکھوالا بنا دے. اے رب تیرے اختیار میں سب کچھ ہے. رب کریم تو ہماری بے بسی اور بے بضاعتی سے بھی واقف ہے, تو ہماری کمزوری اور خوف و حراس سے واقف ہے, ہمارے خوف کو امن میں بدل دے. اے اللہ اس ملک میں جہاں تو نے ہمیں پیدا فرمایا, جہاں ہمارے باپ دادا کو تو نے ایمان نصیب فرمایا, جہاں نہ جانے کیسے کیسے اولیاء اکرام جہاں تہاں سے چل کر آئے, اے اللہ ہم ان کی امانت ہیں, ہم ان کی وراثت ہیں, ہم شاہ ولی اللہ کی وراثت کو تھامے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم مجدد الفسانی کی امانت کو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں, ہم مولانا قاسم نانوتوی کے وارث ہیں, ہم مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی اس دعوت سے چپکے ہوئے ہیں جس راہ پر وہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے. اے اللہ ہم اپنی مشکلیں تکلیفیں تیرے حوالے کرتے ہیں, ہمارے آنکھ سے تو ہی آنسو پہنچے گا. اے رب کریم ہماری اولادیں تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے اور تیرے ہی سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. ہماری بیٹیوں کی دعائیں قبول فرما, ہماری ماؤں کی دعائیں قبول فرما, بہنوں کی دعائیں قبول فرما, بھائی اور بھتیجوں کی دعائیں قبول فرما, ہماری تجارت مندی ہے میں ترقی عطا فرما. اے رب کریم شیطان کے حربے کو ناکام بنا, اس کی ہر چال کو الٹ دے. ابراہ کی چال کو الٹنے والے, اے ابراہ کی چال کو الٹنے والے اور ان پر پرندوں کو مسلط کر دینے والے, ہم ہر طرح کی سازش اور چال کو تیرے حوالے کرتے ہیں, اسے ناکام بنا. تو ہمارا ہے, ہم تیرے ہیں,
तेरी ही वजह से जमाना हमसे बदजन है, बदगुमा है। अल्लाह उनकी बदगुमानी को दूर कर दे। हम किसी के बदख्वाह नहीं है, हम हर एक के खैर ख्वाह हैं। ऐ रब्बे करीम, हमें उम्मत का दर्द नसीब फरमा, उम्मत का गम नसीब फरमा। यतीमों की किफालत करने वाला हमारे बना दीजिए। ऐ अल्लाह, बीमारों की इबादत करने के लिए हमारे कदमों को उनके घर तक चला दीजिए। ऐ अल्लाह, कमजोरों की मदद के लिए हमें कबूल फरमा। हमारा ईमान एक दिन यही रह जाएगा और हम दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। ऐ रब्बे करीम, अपनी जिंदगी में हमसे यतीमों को कपड़े पहनाने के लिए हमें कबूल फरमा। उनकी आंख से आंसू पहुंचने की कबूल फरमा। बेवाएं जो तरसती रहती हैं उनके घर बनाने के लिए हमें कबूल फरमा। अल्लाह, ज़कात की शक्ल में हमारा माल कबूल फरमा। लिल्लाह और इमदाद की शक्ल में भी कबूल फरमा। मांगने वालों के लिए भी हमारे दिल वसी फरमा। और बिन मांगे बे मांगने वालों की चौखट पर हमें पहुंचा दीजिए। रब्बे करीम, हम आसूदा हाल नहीं है, हमें आसूदा हाल बना दीजिए। ऐ रब्बे करीम, तू जिसे चाहे तिजारत नसीब फरमाए, हमें भी तिजारत अता फरमा। तिजारत तेरे नबी ने भी फरमाई है, तेरे सहाबा ने तिजारत की है। तूने कुरान में कहा, ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन ज़िक्रिल्लाह। ऐ अल्लाह, सहाबा तिजारत किया करते थे, हमें भी ईमानदार और अमीर और सादिक ताजिर बना दीजिए। रब्बे करीम, तेरे खजानों में क्या कमी है? तू देने पर आया तो अफ्रीका में तूने सोने के पहाड़ रख दिए, तू देने पर आया तो अरबों को पेट्रोल डीजल दे दिया, तो सारी दुनिया का खजाना है। ऐ रब्बे करीम, हमारी तो प्यास चंद कतरों से बुझ जाएगी, चंद दानों से हमारा पेट भर जाएगा, चंद चीजों से हमारा जिस्म छुप जाएगा। ऐ रब्बे करीम, चंद तिनकों से हमारा आशियाना बन जाएगा। रब्बे करीम, जो बेघर है उनको अपने घर अता फरमा दीजिए, जो किराए के मकानों में दुकानों में अपने कारोबार चला रहे हैं उनकी अपनी दुकानें नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, इस सूबे को तूने पहले ही से नवाजा है, हर तरह से नवाजा है, माल दौलत से नवाजा है, इसलिए बहुत से साइलीन इनके दरवाज़ों पर आते हैं। इनके दिलों में वसतें पैदा फरमा। इस सूबे को दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। और यहाँ अमन अमान की हवाओं को चलाकर हमें इत्मीनान और राहत और कल्ब नसीब फरमा। हमारे मुल्क में अमन अमान पैदा फरमा। ऐसे हुक्मरान नसीब फरमा जिनके दिलों में रहम हो, रहम दिली हो। और ऐ अल्लाह, जिनके दिल सख्त हैं उनके दिलों में भी नरमी पैदा फरमा। इन दुआओं को और यहाँ जितने हजरात हाजिर हुए हैं, इन सब की दुआओं को, सबकी जायज़ मुरादों को, सबकी नेक तमन्नाओं को कबूल फरमा। जो खताएँ गलतियाँ हैं उन्हें माफ़ फरमा। जो मांग लिया वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा वो भी अता फरमा। सफ़र को आसान फरमा। ऐ अल्लाह, वो ज़मीन की किसी भी कैद खाने में कोई भी कैदी बंद हो उसको रिहाई नसीब फरमा। जो हकीकी मुजरिम हैं उनको तौबा की तौफीक नसीब फरमा। लेकिन ऐ मौला, उनके बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनकी बीवियों का कोई कसूर नहीं है, उन्हीं की तरफ देखते हुए उन्हीं के सदक़े में उन्हें रिहाई नसीब फरमा। हम जब वापस आ रहे थे, न जाने कितने दिल और आँखें थीं जिन्होंने हमसे दुआ की दरख्वास्त की थी। ऐ मौला, ये मजमा ऐसा मुखलिस मजमा पहली बार मुझे नसीब हुआ है। रब्बे करीम, इस मजमे की दुआ को कबूल फरमाते हुए हर कैदी को रिहाई नसीब फरमा, हर गुलाम को आज़ादी नसीब फरमा, हर मकरूज के कागज़ से कर्ज की अदायगी ये शक्लें और असबाब पैदा फरमा। इन दुआओं को अपने फज़्ल करम से कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति।